हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के यूनिट सेवन पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्ट टू इसमें हम जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में वो है कि डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके फीचर्स मैरिट्स एंड लिमिटेशन क्या हैं ओके okay? पब्लिक एंटरप्राइजेस की तीन फॉर्म्स हो सकती हैं राइट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्री या पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी ओके तो हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या पब्लिक एंटरप्राइजेस को जिन भी इन तीन जो फॉर्म्स हमने अभी स्टडी की इनमें ऑर्गेनाइज किया जाता है उनमें से एक फॉर्म है डिपार्टमेंटल फॉर्म ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ओके okay? तो पहले भी जब पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश किया जाता था तो बेसिकली डिपार्टमेंटल फॉर्म ही होती थी क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है एक पब्लिक एंटरप्राइज बनाने का ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंटल फॉर्म में सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट का ओवरऑल कंट्रोल होता है ओके और जब एक पब्लिक एंटरप्राइज का ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड कंट्रोल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसा होता है तब उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट जनरली डिपार्टमेंटल फॉर्म ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए चूज किया जाता है जो एंटरप्राइज पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो अब डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन सिचुएशंस के अंडर बनाई जाती हैं स्टेब्लिश की जाती हैं तो जिन सिचुएशंस के अंडर जनरली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट सूटेबल होती है हम उन पॉइंट्स को उन सिचुएशंस को समझते हैं फर्स्ट है जब एंटरप्राइज का जो बेसिक पर्पस होता है बेसिक पर्पस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू ऑन करना है ओके सो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट को किसी डेवलपमेंट प्लान के लिए किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए रेवेन्यू की जनरेशन की ज़रूरत है और उसे लगता है कि एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज उन्हें वो बेनिफिट दे सकती है तो वो इसे स्टेब्लिश करते हैं सेकेंड इज़ पब्लिक बेनिफिट के लिए जब गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज़ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्टिंग हो गया पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है ओवरऑल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है राइट right? जब ऐसी कोई नेशनल रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक इंटरेस्ट में होती है तो उसका पूरा कंट्रोल भी उनके हाथों में रहे और पब्लिक को भी बेनिफिट हो सके उसके लिए भी डिपार्टमेंटल फॉर्म को चूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सीक्रेसी मेंटेन करना ज़रूरी है ओके एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हो गए डिफेंस इंडस्ट्रीज हो गई राइट इनमें सीक्रेसी तो हम सब कुछ तो ओपनली नहीं बता सकते राइट right? तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी डिपार्टमेंटल फॉर्म को चूज किया जाता है जब प्रोजेक्ट्स इनिशियल प्लानिंग की स्टेज में हो और उन प्रोजेक्ट्स को कांस्टेंट एफर्ट्स एंड कंटिन्यूस फंड्स की जरूरत हो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही वो दे सकती है उस सिचुएशन में भी डिपार्टमेंटल फॉर्म को स्टैब्लिश किया जाता है लेकिन अगर आज के हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखें तो डिफेंस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट के पार्टिसिपेशन को इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है उसकी मैनेजमेंट को कंपनी फॉर्म दी गई है राइट नाइनटीन एटी में टेली कम्युनिकेशन के एक पार्ट को दो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया इनमें से एक है विदेश संचार निगम लिमिटेड जो ओवरऑल क्या देखती है ओवरसीज टेली सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, को देखती है और दूसरी तरफ है जो सेकंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई वो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो दिल्ली एंड मुंबई में टेलीफोन सिस्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स की। ओके। फर्स्ट फीचर है ओवरऑल कंट्रोल रेस्ट विद द मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर की होती है जिसके अंडर जिसकी मिनिस्ट्री के अंडर वो एंटरप्राइज आती है राइट मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स के लोगों को अथॉरिटी देता है कुछ केसेस में डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक बोर्ड अपॉइंट कर सकती है फॉर एग्जाम्पल रेलवे बोर्ड है राइट right? इसकी मिनिस्ट्री किसके अंदर आएगी रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर है तो जो भी मिनिस्टर रेलवे मिनिस्ट्री को देख रहा है तो डेफिनेटली उसके पास उसका ओवरऑल कंट्रोल है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंटल फॉर्म में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की होती है एंड मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर वर्किंग के लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है पार्लियामेंट में आंसरेबल होता है ओके सेकेंड फीचर इज़ एम्प्लॉयज आर द सिविल सर्वेंट्स डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज ये दोनों ही डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरह यू पी एस सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करती है उसी तरह यूपीएससी रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज के लिए भी गैजेटेड परसन्स की रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन एम्प्लॉयज़ की टर्म्स एंड कंडीशन बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जैसी ही होती हैं ओके नेक्स्ट फीचर इज़ फाइनेंस थ्रू बजट अप्रोप्रिएशनस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं होते मीन्स टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं इनको गवर्नमेंट एनुअल बजट के अकॉर्डिंग जब भी एनुअल बजट आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेजरी में से फाइनेंस देती है राइट रेलवे बजट आता है जैसे अगर हम रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर रेलवे आता है उसके लिए भी बजट आएगा तो वहाँ से उन्हें फंड्स मिलते हैं और जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती है उसे जो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है उसमें जमा कर दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल जब एनुअल बजट आता है तो रेलवे एंड पोस्टल भी उस बजट का पार्ट होते हैं वहीं से उन्हें उनकी फंडिंग उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलती है नेक्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स के अंडर रहना होता है इस पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही माना जा सकता है ओके फिफ्थ इज सॉवरिन इम्यूनिटी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है ओके okay? मीन्स एक इनसेपरेबल पार्ट है इसलिए इन्हें स्टेट की सॉवरिन इम्यूनिटी मिलती है मीन्स गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना इन्हें स्यू नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इज मैक्सिम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट का मैक्सिमम कंट्रोल होता है इसलिए गवर्नमेंट अपने सोशल ऑब्लिगेशन को इफेक्टिवली पूरा कर सकती है ओके नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप टू मिस यूज पब्लिक फंड्स डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न मिनिस्ट्री मैनेज करती है राइट फॉर एग्जाम्पल रेलवेज एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है उनके प्रति अकाउंटेबल होती है हमने ये भी स्टडी किया कि बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इसके कंट्रोल के अंडर ये वर्क करती हैं इसलिए इन्हें दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसा ही माना जाता है इसलिए पब्लिक फंड्स के मिसयूज का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इसलिए गवर्नमेंट अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज की डिवाइस की फॉर्म में इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रीली यूज़ करती है राइट सोशल ऑब्लिगेशन एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के लिए उनकी पॉलिसीज के लिए नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाइज इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले रेवेन्यू से गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि रेवेन्यू कहाँ जमा होता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता है राइट right? इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल वेलफेयर के लिए यूज करती है नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए पार्लियामेंट को आंसरेबल होती हैं पार्लियामेंट में अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो किसी तरह की प्रिविलेज को क्लेम नहीं कर सकती फॉर एग्जांपल कोई पार्लियामेंट मेंबर अगर किसी एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट या डिसमिसल या प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या किसी पर्टिकुलर सेल या किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तब इन क्वेश्चन को डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट माना जाता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है इस तरह के क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ही पूछे जा सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो बाकी दो फॉर्म्स हैं स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनीज इनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट लिमिटेशन है ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज हमने स्टडी किया कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज सिविल सर्वेंट्स होते हैं इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता है जहाँ किसी भी डिसीजन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इसलिए एम्प्लॉइज़ के लिए इनिशिएटिव का स्कोप लिमिटेड होता है क्योंकि डेफ़िनेटली एक डर सा बना रहता है नॉर्मली एक बिजनेस एंटरप्राइज में डिसीजन मेकिंग को लेकर फ्लैक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है राइट right? लेकिन ये सब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलता सेकेंड इज सफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इन जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करती हैं उन इनकी किस्मत भी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन के बीच के जो पावर बैलेंस है उस पर डिपेंड होती है इसलिए कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में इन पर किसी न किसी तरह का जो खतरा होता है डेंजर होता है वो आने की पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कुछ और फंडिंग दे दूसरी कुछ और पॉलिसीज ले आए राइट इसीलिए पॉलिटिकल चेंजेस का इन पर भी इफ़ेक्ट होता है और पॉलिटिकल रीजंस से इन पर ब्लेम भी लगाए जाते हैं राइट right? कि यहाँ से इसने फेवर किया मान लीजिए जो उन्होंने बोर्ड चूज किया हुआ है उसमें उनके कुछ फेवरेबल्स मेंबर्स uh, हो सकते हैं दूसरी आई पार्टी उसने उनको हटा दिया तो कई तरह की चीजें हो सकती हैं कई तरह के क्लेम्स हो सकते हैं थर्ड इज एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपनी डे टू डे ऑपरेशन के लिए पार्लियामेंट को आंसरेबल होती हैं राइट एज अ रिजल्ट इन इनमें इनिशियटिव एंड स्किल्स का स्कोप कम होता है उनके वर्क से रिलेटेड सभी डिटेल्स को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी क्वेश्चन किया जाता है सो तो डेफिनेटली जितने भी वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज़ होंगे चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें डायरेक्टर्स की बात करें तो वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी तो चलेंगे ही उनको पता है कि भैया हमें स्क्रू कर देंगे नहीं तो पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो तो किसी भी तरह के इनिशिएटिव अगर वो आउट ऑफ द वे जाकर भी लेना चाहते हैं तो वो उस डर के मारे नहीं ले पाते हैं राइट इससे इन ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंट डिसीजनस लेने में डिले होता है नेक्स्ट इज लैक ऑफ़ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज़ सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमने स्टडी किया जिनके पास अक्सर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है उन्हें एक एंटायरली डिफरेंट पर्पस के लिए सिलेक्ट किया जाता है और ट्रेन किया जाता है किसी भी डिसीजन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिससे डिसीजन लेने में डिले होता है जो बिजनेस प्रिंसिपल से बिल्कुल अपोजिट है इन ऑफिसर्स के ट्रांसफर पर भी कोई रोक नहीं होती जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैम्पर होती है नेक्स्ट इज एबसेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्राइमरी मोटिव है वो होता है पब्लिक को सर्विस देना इसलिए बिज़नेस के कमर्शियल प्रिंसिपल्स जो एक बिज़नेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं उन्हें यहाँ पे अवॉइड कर दिया जाता है इनमें लैक ऑफ कंपटीशन होता है इसलिए इनमें अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एनुअल बजट के अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस देती है और उनसे होने वाले रेवेन्यू को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है राइट right? ये अपने आप फंड्स रेस नहीं कर सकते फंड्स के लिए ये पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं एज ए रिज़ल्ट कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की शॉर्टेज के कारण सफ़र भी करना पड़ता है क्योंकि अगर फंड्स उन्हें चाहिए गवर्नमेंट नहीं दे रही बाहर से वो नहीं कर सकते अरेंज तो डेफिनेटली क्या हो गया उनके लिए तो शॉर्ट ऑफ फंड्स हो गया राइट इन एंटरप्राइजेस के पास फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स के अंडर आती हैं ओके okay? तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का कि डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और इनके फीचर्स क्या हैं मेरिट्स क्या है और इनके लिमिटेशंस क्या हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पब्लिक कॉरपोरेशन की डिटेल्स को समझेंगे और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स समझ में आ रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा शेयर करना मत भूलिएगा ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है ओके की स्टडी से रिलेटेड उन्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए जैसे शायद हम पूरा कर पाएँ ओके okay, तो उन तक इनसे जरूर पहुंचाइएगा लाइक करना मत भूलिएगा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ओके okay, क्योंकि डेफिनेटली मेरी कोशिश तो है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सब कुछ जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश तो मैं पूरी करूँगी ओके okay, और उसके साथ साथ मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी इसी वीकेंड पर कोशिश करूंगी कि मैं स्टार्ट कर दूं ऑलराइट और कोई भी आपकी फ़ीडबैक्स हैं क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो या आप मुझे ई भी कर सकते हो मेरा ई एड्रेस है कॉन्टैक्ट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गाइज बाय